चीनी मीडिया ने शुरू किया प्रोपोगेंडा वॉर। ग्लोबल टाइम्स ने दी भारत को गीदड़ भभकी। अटल टनल को बर्बाद कर देगी चीनी सेना। दोस्तों, चीन को लेकर कहा जाता है कि वो दो तरह से युद्ध लड़ता है। एक तो चीनी सेना जमीन पर होती है, तो दूसरी तरफ चीन का सरकारी मीडिया प्रोपोगेंडा वॉर लड़ता है। मौजूदा समय में भारत के साथ चीन का तनाव चल रहा है। फिलहाल तनाव के बीच एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एलएसी पर शांति के बीच ग्लोबल टाइम्स भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने सामरिक रूप से अहम अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अगर युद्ध होता है तो ये सुरंग काफी अहम साबित हो सकती है। लेकिन भारत के सीमाई इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होते देखकर चीनी मीडिया भी बेचैन हो उठा है। हमेशा की तरह चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अटल टनल को लेकर अपना प्रोपोगेंडा छापा है और भारत को धमकी देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा है और लिखा है कि भारत को अटल टनल बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और घनी आबादी वाला है, इसलिए इसका निर्माण सिर्फ सैन्य मकसद से किया गया है। चाइना पीपल्स आर्मी के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। दरअसल ग्लोबल टाइम्स इस सुरंग के बनने से डरा हुआ है। उसे पता है कि युद्ध के हालात में ये सुरंग भारत के काफी काम आ सकती है और इस बात का जिक्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में भी किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अटल टनल खुलने से भारतीय सेना को सीमा पर कम समय में तैनात किया जा सकता है और इसके साथ ही सैन्य आपूर्ति भी इस सुरंग के जरिए ले जाई जा सकती है। ये सच है कि सुरंग के बनने से भारत के बाकी हिस्सों से लेह पहुंचने में अब कम वक्त लगेगा। सेना की तैनाती और रणनीतिक चैनल के रूप में इसकी काफी अहमियत है। इन लाइंस में चीन का डर साफ झलक रहा है। उसे पता है कि ये सुरंग बनाकर भारत ने उस पर बढ़त बना ली है और भारत इसे इस्तेमाल कर फायदा उठा सकता है। अखबार ने भारत को संयम बरतने की सलाह देते हुए लिखा है कि उसे किसी भी उकसावे वाली गतिविधि से बचना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, कोई भी सुरंग भारत की लड़ाकू क्षमता को नहीं बढ़ा सकती है। भारत और चीन की लड़ाकू क्षमता में निश्चित तौर पर बड़ा फर्क है। खासकर भारत की जंग करने की क्षमता बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। भारत चीन की क्षमताओं से अभी बहुत दूर है। चीनी मीडिया का एक और झूठा दावा। वीडियो जारी कर भारत पर लगाया आरोप। दोस्तों, चीनी मीडिया ने भारत को लेकर एक और झूठा दावा किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक भारत ने पेंगोंग झील के पास एक पहाड़ी चोटी पर कब्जे का प्रयास किया, जिसे चीन के सैनिकों ने विफल कर दिया। चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN के न्यूज प्रोड्यूसर शेन शिवेई ने भारतीय पक्ष की ओर से बनाए एक वीडियो को शेयर करके ये दावा किया है। शिवेई ने वीडियो ट्वीट करके कहा है कि चीन की सेना PLA के सैनिक चीन का झंडा दिखा रहे हैं और पेंगोंग झील के पास एक पहाड़ी चोटी की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि भारतीय सैनिक और ज्यादा आगे ना बढ़ पाएं। चीन के सोशल मीडिया पर ये झूठा वीडियो काफी वायरल है। उधर भारतीय सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि तिब्बती युवकों की बनाई गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। ये वीडियो कब और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में भारतीय सैनिक हिंदी और तिब्बती भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। 1:14 के इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ चीनी सैनिक हाथ में झंडा लिए एक ऊंचाई वाली जगह पर हैं। वीडियो से इस बात की कहीं से भी पुष्टि नहीं हो रही है कि ये वीडियो किसी चोटी के टॉप पर है। ना ही ये पता चल रहा है कि चीन ने इस चोटी पर कब्जा किया हुआ है और ना ही इस बात का पता चलता है कि भारत ने इस चोटी पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे चीनी सेना ने नाकाम कर दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि वीडियो किसी भारतीय सैनिक ने ही बनाया है। हो सकता है कि ये चीनी सेना के कब्जे वाला इलाका हो जिस पर भारतीय सैनिक नजर रख रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया CGTN के प्रोड्यूसर शेन शिवेई ने एक और वीडियो ट्वीट कर एक बैरक की झलक दिखाई है। उन्होंने दावा किया है कि ये अत्याधुनिक बैरक लद्दाख की भीषण ठंड से चीनी सैनिकों को बचाएगी। उन्होंने कहा कि इस बैरक में अत्याधुनिक हीटिंग सिस्टम, ऑक्सीजन सपोर्ट और रहने के संसाधन दिए गए हैं। दरअसल इसके पीछे भी चीनी सेना की नाकामी दिखती है, क्योंकि लद्दाख की ठंड से चीनी सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, जबकि भारतीय सैनिकों को ऐसी ठंड से निपटने में महारत हासिल है। तो चीन अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ अपनी जनता को बहका रहा है।
एयर चीफ मार्शल की चीन को दो टूक। दो मोर्चे पर जंग को तैयार है भारत। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि वायुसेना दो मोर्चे पर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। एयर चीफ ने कहा कि हमें मई में चीन की हरकतों का एहसास हुआ था। जैसे ही चीन ने हरकत की, हमने उसी के अनुसार कार्रवाई की है। वायुसेना और सेना की कार्रवाई वैसी ही थी। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिक इस समय हर साल आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अलग हरकत की। भदौरिया ने कहा कि लद्दाख ही नहीं, कई ऑपरेशनल इलाके में वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है और लद्दाख काफी छोटा इलाका है। वायुसेना ने कई ऑपरेशनल इलाके में अपनी तैनाती कर रखी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में हम तुरंत एक्टिव हो पाए। वही डायरेक्ट एनर्जी वेपन के सवाल पर भदौरिया ने कहा कि अभी इस पर DRDO काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक पांचवीं पीढ़ी का विमान आएगा, तब तक हम चाह रहे हैं कि छठवीं पीढ़ी की तकनीक भी शामिल हो।